नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप हैं यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के जो सिलेबस हैं और साथ ही 9th और 11th के भी जो सिलेबस हैं उसको कुछ कम किया जाएगा। लगभग 30% सिलेबस को कम करने की अनुशंसा की गई है। इसी संबंध में आज हम यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें विज्ञान विषय के कक्षा 10 के नए सिलेबस की बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि सिलेबस से किन मुद्दों को हटाया गया है और किन मुद्दों को शामिल किया गया है या पहले से ही जो मुद्दे थे उन्हें किनको रखा गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें क्या क्या शामिल है इसको अगर देखा जाए तो धातु एवं अधातु वाले पॉइंट से धातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म, इन दो बिंदुओं को हटाया गया है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले पाठ से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो कि डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है उसको भी हटा दिया गया है। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो ये टॉपिक था उसमें से कई टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे पौधों में दृषिक गति, पादक हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, इसमें ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां दोनों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिवर्ती क्रिया का जो पॉइंट था उसको भी हटा दिया गया है। और रासायनिक समन्वय वाले पार्ट से जंतुओं में जो हार्मोन वाला चैप्टर था, जो बिंदु था, टॉपिक था, उसको हटा दिया गया है। अगर प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो एक ही पॉइंट हटाया गया है, बायोगैस वाला, बाकी सब यथावत बने हुए हैं। और पर्यावरण वाले चैप्टर से परितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन, ये जो दो मुद्दे थे उनको भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। साथ ही अपवर्तन वाला जो पाठ था उसमें आवर्धन और लेंस की क्षमता और प्रकाश का प्रकीर्णन और उसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये दो पॉइंट हटा दिए गए हैं। विद्युत का प्रभाव जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसका दैनिक जीवन में उपयोग वाला हिस्सा जो था छोटा सा उसको भी हटा दिया गया है। और लास्ट में है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है तो उसको भी जरा देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके उसको किताब से मिला लें। इसमें इकाई एक में रासायनिक पदार्थ, इनका प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे शामिल है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग किताब से मिला लीजिएगा। इकाई दो जिसमें कि जैव जगत है, इसमें जैव प्रक्रम, प्रजनन और आनुवंशिकता और जैव विकास, इसके मुद्दे शामिल हैं। इकाई तीन में प्राकृतिक घटनाएं और अपवर्तन जैसे कि पहले था। इकाई चार में विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके टॉपिक शामिल हैं। इकाई पांच में प्राकृतिक संसाधन, उसके अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये टॉपिक शामिल हैं। अंत में छात्रों को यही सलाह है कि आप इस नए सिलेबस के अनुसार अपने पठन पाठन की एक रूपरेखा तैयार कर लें, क्योंकि जहां तक अनुमान है आपकी परीक्षाएं अपने समय पर ही होंगी। जहां तक कोरोना का प्रश्न है तो संभवतः तब तक कोई न कोई इसका हल निकाल लिया जाएगा। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल चॉक एंड टॉक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित और अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी गुणवत्तापूर्ण और अच्छे सार्थक मुद्दे
मिलते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।